मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर ही भरोसा जताया। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल लगातार बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है लव जिहाद मामले में। इस मामले में मुंबई पहुंची रांची पुलिस ने पीड़ित मॉडल का बयान दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही मॉडल ने रांची पुलिस को कई सबूत भी सौंप दिए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रांची लव जिहाद मामले से जुड़ी हुई। मुंबई पहुंची रांची पुलिस ने पीड़ित मॉडल का बयान दर्ज कर लिया है। मॉडल ने रांची पुलिस को कई सबूत भी सौंपे और अब आगे की कार्रवाई के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है रांची पुलिस। मॉडल का बयान दर्ज कर लिया गया है और ऐसे में अब उस बयान के आधार पर कार्रवाई आगे तेज होती दिखाई देगी। मुंबई के वर्सोवा थाने में यह बयान दर्ज करवाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉडल ने रांची पुलिस को बयान दिया है क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से रांची पूरा केस ट्रांसफर कर दिया गया था। अब कार्रवाई इस पर कैसे होगी ये देखना होगा, लेकिन रांची मॉडल केस में इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया है। अब इन्हीं बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तनवीर खान के खिलाफ सबूत दिए हैं मॉडल ने रांची पुलिस को और ये अहम सबूत होंगे क्योंकि तनवीर खान जो लगातार इस मामले में आरोपी है उस पर मॉडल ने आरोप लगाया है कि वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। और इस वक्त मेरे सहयोगी दिवाकर लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। दिवाकर, जो यहां पर बयान दर्ज किए हैं पीड़ित ने, मॉडल ने क्या सबूत सौंपे हैं इसमें तनवीर खान के खिलाफ? देखिए, कई सारे सबूत मॉडल ने सौंपे हैं जो लगातार उसे धमकी दी जा रही हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं जो लगातार उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा जो मुंबई पुलिस, जहां पर यह घटना हुई थी वर्सोवा इलाके में, उससे भी रांची पुलिस ने मुंबई पुलिस से उस घटना के सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं। उस इलाके का जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी मुंबई पुलिस देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जो है, जो लेटर खासतौर पर तनवीर खान की तरफ से मॉडल को दिए गए थे जिसमें कई सारे एग्रीमेंट के लेटर हैं, इसके अलावा जो 50% पार्टनरशिप की बात उसकी एस मॉडल्स कंपनी में की गई थी उसके लेटर हैं, ये तमाम चीजें मॉडल्स ने कल रांची पुलिस के अधिकारी विवेक सिंह को मुहैया कराए हैं। करीब 3 घंटे तक बीती रात जो है वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मॉडल का बयान दर्ज किया गया है और इस दौरान कई सारी जानकारियां रांची पुलिस ने उससे ली है। इन जानकारियों की जानकारी जो रांची पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है, जो एसपी है, एसएसपी है रांची के, उनको दी गई है और इसके आधार पर रांची पुलिस ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। और साथ ही साथ तनवीर खान अभी भी रांची पुलिस के लिए इंटरेसिबल है और उसकी तलाश की जा रही है कि आखिर उसकी लोकेशन मौजूदा क्या है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से लगातार अब दबाव बनता आ रहा है, जिस तरह से मॉडल्स लगातार नए नए सबूत दे रही है, उसके आधार पर अब रांची पुलिस के ऊपर दबाव है कि क्या वो तनवीर खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्योंकि इस मामले में लगातार जो वीडियो है वो तनवीर खान की तरफ से रिलीज किया जा रहा है, लेकिन अभी भी रांची पुलिस जो है उसको ये कह रही है कि उसने ट्रेस नहीं हो पाया है कि तनवीर खान कहां पर है। बिल्कुल, और ये अब पड़ताल लगातार तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित मॉडल ने कहा है कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है और आरोपी तनवीर ने उसे पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी तक दी है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये बात मॉडल की ओर से कही गई। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, बयान दर्ज हो चुका है, जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। मॉडल ने कहा है कि पुलिस ने अभी तक भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, जबकि आरोपी तनवीर ने उसे पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी है, ये आरोप लगाया गया। तो रांची मॉडल केस में बड़ी खबर, पीड़ित मॉडल का आरोप है कि पिस्तौल दिखाई आरोपी तनवीर खान ने और उसको जान से मारने की धमकी दी है। मॉडल का ये कहना है कि उसकी जान को खतरा है, तो गंभीर आरोप पीड़ित मॉडल की तरफ से लगाए गए हैं कि पहले तनवीर खान ने अपना धर्म छिपाया, बाद में उसको मालूम चलता है, फिर वो शादी का दबाव बनाता है और धर्म परिवर्तन के लिए कहता है।
अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मुझे मेरे परिवार वालों की जान को खतरा है। मैं उम्मीद करती हूँ झारखंड पुलिस से जल्द कार्रवाई करे और उसको अरेस्ट करे, क्योंकि वो अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है और वो बाहर घूम रहा है। मुझे और मेरे परिवार वालों को खतरा है क्योंकि वो धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। मॉडल ने साफ कह दिया कि अभी तक FIR ही पुलिस ने दर्ज नहीं की है, जबकि सीधे पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई आरोपी की ओर से। और ऐसे में जबकि रांची पुलिस पहुंची थी मुंबई और अब वर्सोवा पुलिस थाने में तकरीबन 3 घंटे तक बयान दर्ज करवाया गया है इस मॉडल का और इसमें तमाम सबूत उन्होंने पेश किए। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, आरोपी तनवीर ने पीड़ित मॉडल पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। तनवीर ने कहा कि मॉडल अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे धमका रही थी। इसके साथ ही उसने कहा कि वो अभी भी मॉडल की इज्जत करता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तनवीर ने पीड़ित मॉडल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि मॉडल अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे धमका रही थी। तो जिसने आरोप लगाए वो मॉडल और आरोपी दोनों की तरफ से जो बयान आए हैं ये बेहद विरोधाभासी हैं। अलग अलग तरह के बयान हैं। आरोपी तनवीर ने मॉडल पर ही आरोप लगा दिया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब तक है कब तक नहीं है, इसलिए सोचा बाद में क्या बनाऊं, अभी बना देते हैं। निकल गए हैं अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन आपसे यही कहना चाहेंगे माननीय राज सिंह कि जो भी गलती हुई है सबके लिए माफी चाहूंगा और आगे से वो गलती नहीं होगी अगर जिंदा रहे तो, मर गए तो माफ कर देना। तो आरोपी तनवीर खान को उसने सुना, आपने सुना और उसने माफी मांगी है, लेकिन यहाँ पर जब से हम देखे मॉडल सामने आती है उसके बाद आरोपी तनवीर खान भी मीडिया के सामने आता है जिसमें वो मॉडल पर ही कई सारे आरोप लगाता है। दूसरी तरफ मॉडल ये कह रही है कि उसकी जान को खतरा है, उसे लगातार तनवीर खान की तरफ से धमकाया जा रहा है। हालांकि मॉडल लव जिहाद और इस ब्लैकमेलिंग के मामले में अब एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पीड़ित मॉडल ने ये कहा है कि अब तक FIR तक पुलिस ने दर्ज नहीं की है, जबकि उन्होंने बताया कि किस तरह से पिस्तौल दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। मैंने पूरी दुनिया तनवीर खान के नाम से जानती है, कोई भी मुझे मैसेज करता है तो तनवीर खान। जब मैंने भागलपुर में शो किया था 2018-17 में, उसके बाद ये लड़के ज्वाइन किए थे, वो क्लिप अभी भी हमारे पास न्यूज 18 में भी चली थी और जी न्यूज में भी थी, वो क्लिप ऑनलाइन अवेलेबल होगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होगी, जिसमें मैंने बोला था मैं तनवीर खान हूँ और मुझे भागलपुर आकर बहुत अच्छा लगा। ये लड़के भागलपुर के उसके बाद ही मेरे पास ज्वाइन किया। इस मॉडल्स की जो आईडी है इंस्टाग्राम पे, उस आईडी से इसने बहुत सारे पोस्ट किए हुए हैं और मुझे जो मैसेजेस वगैरह आते हैं वो मैसेजेस है मेरे पास, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। आप तनवीर अख्तर खान को बोले कि अगर वो जो बात बोल रहे हैं उनकी वो प्रूफ भी देना। वो मेरे घर आए थे, मेरी जो रूममेट मेरे साथ में थी जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, जिसके सामने हुआ है, उसी दिन उसी टाइम मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाके मैं इसके पीछे भागती हूँ। जब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ तो ये इंसान भागता है वहां से, और जब मैं इसके पीछे भागती हूँ मैं नंगे पाँव पुलिस स्टेशन जाती हूँ, वहां पे मैं कंप्लेन लिखाती हूँ। मैं जो दूसरी बार मैंने कंप्लेन की थी, इसने मेरे घर पे आके ले जाना चाहा था, इस वजह से मैंने कंप्लेन करी थी। और ये जो कंप्लेन करने के बाद ये वहां से भाग क्यों गया था और भागा क्यों जब मैं पुलिस को कॉल कर रही थी, मैं कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के दिखवा सकती हूँ। मेरे पास वो काम करती थी, मेरी कास्टिंग देखती थी और सोशल मीडिया हैंडल करती थी, उनके पास पूरी टीम थी जिसमें उनके माँ मम्मी, उनका भाई की गर्लफ्रेंड, उनके मामा का पूरा परिवार और बहुत सारे दोस्त इनके काम करते थे, ठीक है। उस सबको मैनेज मानवी राज ही करती थी और मानवी राज जब बॉम्बे गई तो बॉम्बे में एक बंदे ने उनको बोला, राहुल नाम का, कि मुझे अपना डेटा दे दो और क्या तुम उसमें 4-5 लाख रुपए हो तो कमाता है, हम लोग यहाँ पे बॉम्बे में 10-20 लाख कमाएंगे उसमें तुम्हें देंगे। तो इसने उसको डेटा देने की कोशिश की थी, तो जब मुझे पता चला तो मैंने उन सारे बंदों को जो इनके साथ काम करते थे हमारे साथ, सबको एक साथ काम से निकाल दिया। जितने भी 40 लोग इनके मानवीय के इनसे करते थे तो मैंने वो सबको हटा दिया। तो इसने बोला नहीं मैंने कोई गद्दारी नहीं की है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। उस टाइम मैंने इसको परेशान किया था फाइनेंशियल लॉस के कारण कि मेरा 5-6 लाख रुपए हर मंथ का लॉस हो गया था, हो रहा था, तो मैंने इसको बोला तुम्हारा जो भी लॉस है उसको रिकवर करना पड़ेगा। तो इसके बदले में मैंने उनको एक एफिडेविट बना के दी थी, मेरे कारण अब आपको और मैं आपको और आपके फैमिली को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि वो सारे लोग काम करते थे मेरे पास, तो मैंने सबको टॉर्चर किया था एक तरीके से कि मेरे को जो लॉस हुआ मेरा रिकवर करिए। मैं कोई ज्यादती की थी
कोई भी ज्यादती की थी तो वो मेरे साथ, आपने जो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि मैंने उनको लव जिहाद, अपना नाम हाइड वाइड, वो 2020 में ज्वाइन की थी, आज तीन साल के बाद वो जागी हैं क्या? ठीक है, जब ये लड़का जिंदगी में आता है वो सिर्फ जॉब सीकर है। 6 जनवरी को मैं गई थी। और अब आपको हम समझाते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए कि कैसे मॉडल ने तनवीन खान पर आरोप लगाए हैं, किस किस तरह के आरोप लगाए हैं, और जिसके बाद अब मुंबई में उसके बयान भी दर्ज हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि रांची पुलिस भी इस वक्त मुंबई में ही मौजूद है। तो पीड़ित मॉडल की मां ने भी आरोपी तनवीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, मॉडल ने तनवीर खान पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब रांची पुलिस मुंबई पहुंची है, जिसमें लव जिहाद के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। नाम बदलकर दोस्ती की ये मॉडल ने तनवीर खान को लेकर के आरोप लगाया है। मॉडल ने गंभीर आरोप तनवीर पर लगाए हैं और ये कहा है कि तनवीर खान ने इस मॉडल की आपत्तिजनक फोटो की है, खींची है और नाम बदलकर उससे दोस्ती कर रहा। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद आरोप ये भी लगाया गया कि उसके बाद इस मॉडल को ब्लैकमेल तक किया गया, और यही तमाम वो चीजें जिसके सबूत भी सौंपे हैं, मारपीट तक की गई, ये भी आरोप उस मॉडल की तरफ से लगाया गया है। कई गंभीर आरोप है, जान से मारने की धमकी का भी आरोप मॉडल की तरफ से लगाया गया है। एक एक करके हम आपको तमाम आरोप बता रहे हैं, पिस्तौल दिखाकर धमकाया है, ये तमाम आरोप पीड़ित मॉडल की तरफ से तनवीर खान पर लगाए गए हैं। मॉडल का कहना है कि सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई है और लव जिहाद के लिए उस पर दबाव बनाया गया है। और देखिए, आपको ये भी बताएं, पीड़ित मॉडल की मां ने आरोपी तनवीर खान पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और ये कह दिया है कि वो अभी भी व्हाट्सएप पर परेशान कर रहा है और अपशब्द बोल रहा है। क्या कहा है मॉडल की मां ने, ये हम आपको सुनाते हैं। बहुत ज्यादा परेशान करते, 2 बजे बहुत ज्यादा परेशान करते, 2 बजे 3 बजे 1 बजे रात में वो हम लोगों को परेशान करता था।